तो हुआ ये कि इंसान ने जब अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखता है ना, तो उसके बारे में सोचता है कि भाई ये सब कुछ क्यों है, कैसे है वगैरह वगैरह। मतलब ये साइंस के बेसिक जो है ना वो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई हाउ एंड व्हाट, या इस तरह की जो चीजें हैं ना। हाउ मतलब ज्यादा कॉमन है, या व्हाई ज्यादा एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है साइंस में। तो इंसान अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में सोचता है कि भाई ये कुछ चीजें जो है वो इतनी मजबूत क्यों है, या कुछ चीजें इतनी वीक क्यों है। मसलन लोहा जो है वो बहुत मजबूत है, प्लास्टिक जो है ना वो उतना मजबूत नहीं है, ठीक है। और जो है वो कुछ चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कुछ चीजें एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, ठीक है, और उसको वो पिघलती नहीं है, उसको पिघला के नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। प्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है, सही है। इसी तरह कुछ चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, अगर हम थोड़ा एडवांस आ जाएं, कुछ चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, कुछ चीजें किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस, वो किसी के साथ ना अपने आप के साथ रिएक्ट करती है, ना किसी और एटम के साथ उनके एटम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मिसाल के तौर पर बहुत सी चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाएं तो HCl बनता है, ठीक है, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तो एक बेसिक चीज जो माइंड में आती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, कैसे उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक मजबूती आती है, और कैसे जो है ना वो अपना जो है ना वो एग्जिस्टेंस को बरकरार रखती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक फिलॉसफी है केमिकल बॉन्डिंग के पीछे। तो जब हम ये सोचते हैं कि कोई चीज कैसे है या क्या है, तो फिर हम ये भी सोचते हैं कि उसमें कैसे हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारा हम कम्प्लीटली जो है ना वो इसमें हम एक ब्रीफली जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज केमिकल बॉन्डिंग क्या है। सिंपल बॉन्ड का मायना होता है जुड़ना। कोई भी चीज जो दो चीजों को जोड़ के रखती है उसको हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो ना वो देखी होगी स्मद बॉन्ड, ठीक है ना, वो चीजों को जोड़ने के लिए काम आती है। खैर यहाँ पे हम बात करें केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम्स को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी केमिकल बॉन्ड। वो एक मॉलिक्यूल में हो चाहे वो एक कंपाउंड में हो, ठीक है, और वो जो जोड़ने वाली चीज है उसको हम बॉन्ड कहते हैं। उनके बारे में हमने पढ़ना है कि वो बॉन्ड होते क्या हैं, किस किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हमारे पास मतलब जो क्वेश्चन जो मैंने भी डिस्कस किए, एक वाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड, एटम बॉन्ड बनाते क्यों है, ठीक है। फिर एक सवाल ये है कि बाकी एटम तो बॉन्ड बनाते हैं, नोबल गैसेस क्यों नहीं बनाती, ठीक है। तो ये दोनों बड़े मिलते जुलते क्वेश्चन, और इनके आंसर भी इसी में छुपा हुआ है, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर भी है, ठीक है। मतलब आंसर इस तरह से कि हमें ये पता चला कि भाई नोबल गैसेस नहीं बॉन्ड बनाती, तो उसका मतलब जो चीज नोबल गैसेस में है उस चीज को हासिल करने के लिए बाकी चीजें बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। या ये है कि जो चीज नोबल गैस में है वो बाकियों में नहीं है, इस वजह से वो बॉन्ड बनाती है और नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि हाउ एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, एटम बनते किस तरह से हैं बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले जब इस चीज को ऑब्जर्व किया गया ना, तो दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, कॉसेल एंड लेविस, ठीक है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। और उन्होंने या अर्ली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो नोबल गैसेज है ना उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि उनके आखिरी शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन है, सवाई हीलियम के, हीलियम के आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि भाई इनके जिस चीज के आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होना वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, उसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। फिर उसको उन्होंने वेरीफाई किया, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि भाई नोबल गैसेस का ऑक्टेट रूल यहाँ से बनाया, कि जिसका मतलब क्या है कि किसी एटम के आखिरी शेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब ये है कि वो फर्दर जो है ना उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं रहती, वो अपना वजूद बरकरार रख सकता है, ठीक है। और नोबल गैसेस चूंकि अकेले के लिए एटम अपना वजूद बरकरार रखते हैं, उसकी वजह ये है कि इनके हर एक एटम के अकेले अकेले एटम के आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाकी एटम्स में ऐसा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, अगर फर्ज करें किसी के आखिरी शेल में जो ना वो मिसाल इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो वो कम करके आठ कर लेता है, ठीक है, या किसी के अंदर कम है तो वो लेके आठ कर लेता है, या वो शेयर करके। तो इलेक्ट्रॉन देने से, लेने से या शेयर करने से एटम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाए, नोबल गैस जितनी हो जाए जो उनके करीब तरीन नोबल गैस है, ठीक है, मतलब या आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए या दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसको हम ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एक हमारे पास फाइंडिंग आई लिविस और कोसेल की, ठीक है।
कोस्टर नहीं है ये हमारा से, कोस्टर भी बन सकता है यहाँ से अगर एल हटा दें, ठीक है डब्ल्यू कोस्टर। तो डब्ल्यू कोस्टर जो था ना, इन्होंने ये फाइंडिंग दी कि भाई तमाम जो एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कोशिश करते हैं कि अपने करीब तरीन नोबल गैस की कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। कैसे? मिसाल के तौर पर ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कुछ इनके बारे में अगर आप देखें, ठीक है मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है ना ये वाला एम जी, इसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, ठीक है और उससे पीछे वाले शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। जब आखिरी शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना तो आखिरी शेल ही खत्म हो जाएगा। अब आखिरी शेल ये वाला हो जाएगा, ये जो पहले सेकंड लास्ट था ना अभी आखिरी हो गया, ठीक है और अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ इलेक्ट्रॉन है। तो इसने अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन आठ कैसे किए, दो इलेक्ट्रॉन देने से। इसी तरह क्लोरीन देखें, ये क्लोरीन है इसके आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाएगी आठ। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है मैग्नीशियम से, एक इस क्लोरीन को दे देता है, एक इस क्लोरीन को दे देता है। दोनों क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 18 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, और मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से इन तीनों ने अपना अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया, मतलब अपने अपने आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लिए और वो स्टेबल हो गए और एक कंपाउंड बन गया MgCl2। ठीक है ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने पूरे किए इलेक्ट्रॉन लेने से और देने से। कई दफा ये होता है कि एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं है, वो शेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप एग्जांपल देखें कार्बन वाली, ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना ये इस तरह से है, कार्बन है और उसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है एक ऑक्सीजन का, ठीक है और दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड बना हुआ है एक दूसरे ऑक्सीजन का। ठीक है ये बॉन्ड कैसे बना है कि इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है मसलन ये ब्लैक कार्बन का, ये ब्लैक कार्बन का, ये रेड ऑक्सीजन का, ये रेड ऑक्सीजन का। ठीक है अच्छा तो इससे क्या होता है कि देखें आप कार्बन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये दोनों के लिए काउंट होते हैं, कार्बन के लिए भी ऑक्सीजन के लिए भी, चार ये हो गए ठीक है और चार ये हो गए। ठीक है तो इस तरह कार्बन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई आठ। वैसे नॉर्मली उसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार की कमी होती है, वो चार की कमी कैसे पूरी करता है, वो दूसरों के साथ शेयर कर लेता है चार। ठीक है तो आठ इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में हो गए। ऑक्सीजन में कितने हो गए, दो ये हैं, ठीक है दो दो चार, ठीक है और चार ये वाले आठ। ठीक है तो इस तरह से दोनों के आखिरी शेल में आठ आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि हर एटम कोशिश करता है कि वो अपने करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। अच्छा एक और बात यहाँ पे देखें, HCl में देखें क्लोरीन के आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने से क्या होता है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डुप्लेट रूल फॉलो हो जाता है। क्योंकि ये कह रहा था कि हीलियम के इसके करीब तरीन जो नोबल गैस है ना हाइड्रोजन के, वो हीलियम है ठीक है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम जैसी करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन पूरे करता है ठीक है अपने आखिरी शेल में। और जो क्लोरीन है उसके करीब तरीन जो ना वो नियॉन है, तो वो अपने अंदर आठ इलेक्ट्रॉन जो ना वो पूरे करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी है, नियॉन की। ठीक है इस तरह से दोनों अपने आप को ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल कर लेते हैं। तो ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन थी, एक जनरल चीज थी, हमने कह दिया कि भाई ये अब इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं ठीक है, या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं या शेयर कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो वही पे रहता है कि हाउ ये सब कुछ होता कैसे है और जो ना वो क्या मैकेनिज्म है इसका ठीक है और किस तरह से ये होता है। ठीक है इसको समझने से पहले हम केमिकल बॉन्डिंग की जो बेसिक टाइप्स है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि बॉन्ड कैसे बनता है, या इलेक्ट्रॉन लेने से देने से बनता है या शेयर करने से बनता है। तो इसी तरह से इसी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड।